नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कंप्लेन आ रही है, कमेंट आ रहा है मेरे पास केबीसी से रिलेटेड। उन्होंने मुझसे बताया है या मुझसे पूछा भी है कि भाई ये बताइए कि जिनका ऑडिशन जो है वो सक्सेसफुली नहीं हुआ है तो क्या उनका नाम आएगा आगे या नहीं आएगा। तो दोस्तों, मैं सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कोई केबीसी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, कोई मतलब मैं उसका पार्ट नहीं हूँ। फिर भी मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ और मैंने जो भी कुछ सीखा है अभी हाल के कुछ दिनों में या पिछले सीजन की भी बात करेंगे तो उस हिसाब से क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा और ये बताऊंगा कि किन किन को हो सकता है दोबारा ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, इस बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किनका गलत हुआ या गड़बड़ हुआ है तो किसको दोबारा ऑडिशन के लिए हो सकता है बुलाया जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ये फर्स्ट टाइम है जब ये ऑनलाइन ऑडिशन हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक्सपेरिमेंट था और आप सभी को मालूम है ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था, क्योंकि हाल ही में भारत देश में काफी ज्यादा बीमारियां फैली थी, सभी विश्व में फैली थी, तो यहाँ भी प्रॉब्लम चल रही थी, उसी को देखते हुए ये ऑनलाइन ऑडिशन रखा गया था। अब दोस्तों, यहाँ पे हम आप सभी को ये बता देते हैं कि पहले सीजन में ऑफलाइन ऑडिशन होते थे तो ज्यादातर प्रॉपरली सही होता था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो ऑनलाइन ऑडिशन हुए हैं तो बहुत सारे लोगों के पास, जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए 1 करोड़ लोगों ने मैसेज किया, 1 करोड़ लोगों ने मैसेज किया, मान लीजिए उसमें से 1 लाख लोगों के पास कॉल आई। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 1 लाख लोगों के पास कॉल आई तो 1 लाख लोगों में कम से कम, ज्यादा नहीं तो 20 से 25 हजार लोग ऐसे हैं जिनके पास ही कॉल पूरी तरीके से बात हो पाई, पूरे मतलब रजिस्ट्रेशन के जो कॉल थे, 3 क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो प्रॉपरली पूछे गए। तो दोस्तों, यहाँ पर 3 क्वेश्चन जो पूछे गए तो प्रॉपरली लगभग 25 हजार लोगों से ही पूछे गए। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसमें से भी 2 क्वेश्चन के ज्यादातर लोगों ने जवाब सही दिए, 1 क्वेश्चन का जवाब गलत दिया। पर यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो 1 क्वेश्चन का जवाब किसी ने गलत दिया था उसका भी दोस्तों ऑडिशन में नाम आया था। अब आप सोच रहे होंगे कि उसका नाम क्यों आ गया, तो मैं दोस्तों आप सभी को बता देता हूँ कि एक संख्या नंबर रखा जाता है कि इतने नंबर तक तो आपको ऑडिशन के लिए बुलाना ही बुलाना है, तो उतने नंबर तक तो आपको अप्रूव कराना ही है उन लोगों को, तो आपको वहां तक ले जाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों ऑडिशन की बारी आई, तो ऑनलाइन ऑडिशन में बहुत लोगों को दिक्कत क्या होगी वो मैं बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मैसेज के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, सोनी लिव ऐप पर उन्होंने नहीं रजिस्टर किया हुआ था पहले जब रजिस्ट्रेशन की बारी थी, जो डेली हम लोग भेजते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि मैसेज के थ्रू भेजते थे या फिर आप कॉल करते थे तो उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। अब दोस्तों, स्मार्टफोन ना होने की वजह से ऑडिशन वो कैसे देंगे, तो बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत हुई। अब दोस्तों, हम आप सभी को बता देते हैं कि जिसके पास मान लीजिए कीपैड फोन है वो मैसेज करता है तो क्या आपको लगता है कि वो 5 से 4 मतलब 4-1 तारीख को कॉल आई थी कि आपको ऑडिशन के लिए सेलेक्ट किया गया और 6 तारीख को आपको ऑडिशन है, तो क्या आपको लगता है कि इन 5 दिनों में कीपैड वाला मोबाइल रखने वाला व्यक्ति क्या खरीद सकता है स्मार्टफोन? मेरे ख्याल से अगर मेरी बात की जाए, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, तो मैं ये कहता हूं 80 से 90% लोग नहीं खरीद सकते। जी हाँ दोस्तों, नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो अगर इतने दिनों पहले से किए हुए, उसको मालूम है कि केबीसी ऑनलाइन ऑडिशन होंगे तो स्मार्टफोन में आएगा, हो सकता है ऑप्शन स्मार्टफोन सोनी लिव ऐप पे अब वो जाके रजिस्ट्रेशन कर सकता है, क्योंकि वहां पर क्या होता था कि मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपका क्वेश्चन आ जाता तो वहां से भी आप आंसर कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, यहां पर जब आप मैसेज से करते हैं तो आपको केवल आंसर टाइप करके भेजना होता था, तो 10% ऐसे लोग होंगे जिनको नया स्मार्टफोन उन्होंने खरीदा हो लाइव यानी कि ऑनलाइन ऑडिशन के लिए। अब दोस्तों,
जो कॉल्स आई थी, हो सकता है उन कॉल्स में 25% लोग वो हों जिनके पास कीपैड वाले मोबाइल थे, कीपैड वाले मोबाइल से उन्होंने कॉल किया था या मैसेज किया था, उनके पास अगर कॉल आई होगी, शॉर्ट लिस्टेड हुए होंगे वो, तो वो ऑनलाइन ऑडिशन देख नहीं पाए। ऑनलाइन ऑडिशन वो कैसे देंगे, तो कुछ उनकी जगह खाली हुई। आप दोस्तों आगे और बढ़ते हैं। आप दोस्तों जिन लोगों का शॉर्ट लिस्टेड नाम आया, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे कमेंट करके बताया, इंस्टाग्राम पर भी मुझे कमेंट किया। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, जवाब जरूर दूंगा। तो इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, उन्होंने बताया कि भाई मैं शॉर्ट लिस्टेड हुआ था, मेरा जो है कॉल भी आया था, मुझे मेल भी आया, मैसेज भी आया, लेकिन जैसे ही मैंने केबीसी ऑनलाइन ऑडिशन के लिए रजिस्टर किया, ओटीपी आया, उसके बाद आपको बताया गया यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड। तो दोस्तों ऐसी भी बहुत लोगों के साथ समस्या हुई। तो अब इन लोगों का क्या होगा, ये भी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अब इसके ये एक जगह खाली हुई, इसके बाद आगे बात करते हैं। अब दोस्तों मेरे ख्याल से जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी एक्स वाई जेड जिन्होंने भी दिया है केबीसी का ऑडिशन, उसमें केवल 20% ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर पूरे क्वेश्चन का आंसर दिया है, और केवल 10% लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने अपना प्रॉपर क्वेश्चन आंसर भी किए हैं और वीडियो भी अपलोड किए हैं। अब दोस्तों यहां पर संख्या जो है बड़ी मात्रा में कम हो रही है, और वहां पर काफी ज्यादा लोगों को ले भी जाना है, क्योंकि वहां पे फर्स्ट एंड फिंगरप्रिंट के लिए नहीं कुछ तो कम से कम नहीं तो 10,000 लोग तो जाने ही चाहिए थे। अब देखते हैं आगे का क्या है सीन। अब दोस्तों इतने लोगों की कमी होगी, बहुत सारे लोगों के मन में यह भी क्वेश्चन होगा कि जैसे मान लीजिए मैंने 20 क्वेश्चन किए थे, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन गलत हो गए, तो क्या मेरा नाम आ सकता है? तो दोस्तों अभी के लिए मैं बताऊं तो जी हां, आपका नाम आ सकता है। अगर मैं जो भी मेरा दिमाग बोल रहा है या जो इतना भी अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किया उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं तो 14 से 15 क्वेश्चन जिसके सही हुए हैं उसको कंफर्म है कि उसको फर्स्ट एंड फिंगरप्रिंट के लिए बुलाया जा सकता है। तो आप लोग तैयारी जरूर करते रहिए। अब दोस्तों जिनके 5 क्वेश्चन से ज्यादा गलत हो गए हैं वो संदेह में रहे, लेकिन फिर भी वो भी तैयारी करते रहे। ऐसा नहीं है कि हो सकता है पता चले आपका नाम आ जाए और आप कहें कि यार मैंने तैयारी नहीं की, तो वो भी तैयारी करते रहे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट है कि जैसे मैंने क्वेश्चन तो पूरे किए और कम से कम 18-20 क्वेश्चन मेरे सही थे, लेकिन मैंने वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, वीडियो अपलोड करने में दिक्कत हुई थी, तो क्या मेरा नाम आगे आएगा या नहीं आएगा? तो इसके बारे में भी बता देता हूँ। तो दोस्तों यो जो वीडियो था वो इंट्रो वीडियो आपका है। आपने अगर केबीसी पुराने सीजन देखे होंगे तो जब कोई हॉट सीट पर जाता था तो उसका एक इंट्रो वीडियो बड़ी स्क्रीन पे प्ले किया जाता था, वही वीडियो हमें भेजना था, क्योंकि अभी जो है लॉकडाउन की स्थितियों की और जो भी ये बीमारी चल रही इसकी स्थिति की वजह से केबीसी आपके घर पर नहीं आ पाई, टीम नहीं आ पाई, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी अगर आपका नाम फर्स्ट एंड फिंगरप्रिंट के लिए आता है तो हो सकता है जब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आपको बुलाया जाए या आपके घर केबीसी टीम आए आपका इंट्रो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो जिनका भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है कंफर्म, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको वेट करना है, आपका कंफर्म ही नाम आएगा, बस वेट करिए। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग क्वेश्चन थे तो मैंने ज्यादातर सभी के रिप्लाई करने की कोशिश की है। अब बहुत सारे लोगों के मन में और भी क्वेश्चन होंगे तो आप लोग अपने क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इन वीडियो को, और चैनल पे दोस्तों पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।